रानी जी, आप कहते हैं कि जो 99% परेशानियां या बीमारियां होती हैं उनका पूरा समाधान प्राणायाम में छिपा है, तो एक अभ्यास उसका भी करवा दीजिए, खासकर वो प्राणायाम जो लिवर को हेल्दी बनाने में कारगर है। सबसे महत्वपूर्ण तो कपालभाति है, और कपालभाति मंडूकासन पवन मुक्तासन के साथ भी हो जाता है। कपालभाति सीधा बैठ करके भी हो जाता है, कुर्सी पर बैठ के भी हो जाता है, और जो बैठ ना सके तो लेट के भी हो जाता है। एक साथ लिवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट, लंग, हार्ट, थायराइड तक सब कुछ एकदम अंदर से ठीक कर देता है। गति से शक्ति पैदा होती है, और बिना गति के सारी दुर्गति है। इससे सप्त धात्वाग्नि, पंचभूताग्नि, जठराग्नि, प्राणाग्नि, प्राण अग्नि, ये पूरी जागृत हो जाती है कपालभाति से। इसलिए कपालभाति कम से कम 5 मिनट, जो बीमार उनको 10-15 मिनट, और SLEMS ऑटोमेटिक डिजीज, कैंसर, और शरीर में कहीं पर लाइपोमा, गांठ, बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाते हैं, तो 1-1 घंटे तक भी हम कराते हैं PCOD आदि होने पर, या लाइपोमा आदि होने पर, या कैंसरस गांठें होने पर, मैलिग्नेंट ट्यूमर होने पर। तो कपालभाति तो बहुत ज़रूरी है पूरे पाचन तंत्र के लिए, डायबिटीज़ के लिए भी, और किसी भी प्रकार की बॉडी में डेफिशिएंसी है, क्योंकि पाचन अच्छा होगा तो सारे शरीर में भोजन का अवशोषण अच्छा होगा, खाना पैखाने से निकलेगा नहीं। दूसरा है बाह्य प्राणायाम, श्वास को अंदर भरा, बाहर छोड़ दिया, बाहर रोक दिया, और 3 बंद के साथ ये बड़ा जरूरी है। बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, नाभि से नीचे वाले भाग को खींचा तो मूल बंद, पेट को खींचा तो उड्यान बंद, और थोड़ी को कंठकूप में लगाया तो जालंधर बंद। 3 बंद के साथ बड़ा ज़बरदस्त है, इससे तो ऐसे भूख लगती है कड़ाके की। और यदि कोई सांस अंदर रोक करके और दोनों तरफ से शरीर को ऐसे उठा दे, वैसे ज्योत्सना जी तो करने लग गई, आज प्रिया की परीक्षा है। मैं कोशिश ऐसे उंगलियों पर उठाना, या तो ऐसे, मैंने उंगलियों पर उठाया, दूसरा फिर ऐसे मुट्ठी पर उठा लेना, और आधा से 1 मिनट रोक के रख लेना। ऐसी कड़ाके की भूख लगेगी जैसे हुसैन भाई 4-4 पतंजलि गोंद के लड्डू खा रहे थे, ऐसे 4 लड्डू खाने पर भी हजम हो जाएंगे। और हुसैन भाई तो मुझे लगता 5 मिनट करेंगे 25 लड्डू खाएंगे, तो ये बहुत जोरदार मामला है। अच्छा स्वामी जी, जरा उत्थित पद्मासन, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। मयूरासन भी ऐसा ही है, मयूर भी जो है कहते हैं लक्कड़ पत्थर, जब पत्थर भी खाता है तो हजम हो जाता है, कुछ कह रहे थे यहाँ स्वामी जी। बस जल्दी से जरा जादुई पॉइंट्स के बारे में बता दें मयूर आसन के बाद। तो ये जादुई पॉइंट, एक तो आंतों के लिए तो ये पॉइंट है, ऐसे दूसरों का भी दबा दिया करें, और जिसको ज्यादा ही प्रॉब्लम हो तो उसको उल्टा लेट करके दबा देते हैं। शिवम इधर आओ, यहाँ लेटो, और ऐसा नहीं कि पति सिर्फ पत्नियों से दबाएं, पत्नी को जरूरत हो तो पति भी दबाएं। एक तो उधर मुड़ो, उधर करो, ऐसे उल्टे लेट, उल्टे उल्टे लेट करके चश्मा उतार दे, फूटेगा, और हाथ पीछे कर, और इस पैर को मोड़ो, ऐसे घर में दबा दिया करो, ऐसे पैर से, कई बार मैंने पहले भी बताया, ऐसे जब पैर से दबाते हैं एकदम कड़ाके की भूख लगती है और रिलैक्स हो जाते हैं, ऐसे दोनों तरफ से ऐसे दबा करके पूरा पिंडली को नीचे से लेकर के, बस घुटने पर मत दबाने नहीं तो घुटना टूट जाएगा, फिर इसके ऊपर भी ऐसे दबा दें, इस तलवे के बीच में, और ज़्यादा ही शरीर में कमजोरी लग रही हो तो पूरा ऐसे अंगुलियां तो बाहर अंदर की तरफ, ऐसे ही हाथ, और ऐसे पूरा दबा देते हैं, पूरा मसाज दे दिया आपने। तो ये पूरा खटर पटर हो रही थी इसके, सारा ठीक हो गया ऐसे 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 ये। और अंत में ये इसके तलवे में ऐसे दबा दिया, ये यहाँ पर, ये अद्भुत पॉइंट है, ठीक है स्वामी जी तंत्र के लिए ना। अब और बैठ जाए